हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कपिल तलरेजा और आज मैं आपको जो मेन पेटीएम का फंक्शन है उसके बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, काफ़ी सारे फ्रेंड्स का मुझे कमेंट्स आए हैं कि ये पेटीएम में हम लोग पैसा कैसे ऐड करते हैं, पेटीएम चलता कैसे है, उसमें पैसा कैसे डालते हैं। तो फ्रेंड्स, ये उन्हीं न्यू यूज़र्स के लिए हैं जो कि फर्स्ट टाइम पेटीएम चालू करने से डरते हैं, या वो कैसे चालू होता है, आपको पैसे कैसे डालते हैं, उनके बारे में उनको जानकारी नहीं होती है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि पेटीएम में पैसा कैसे डालते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है। अगर आपके इसमें पेटीएम नहीं डाउनलोड है तो आप प्लीज़ इसमें डाउनलोड कर लें। मेरे इसमें ऑलरेडी डाउनलोड है दोस्तों, सीधा मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले अगर आपने इसमें डाउनलोड किया हुआ है तो यहाँ पे जो मेन स्क्रीन है इसमें यहाँ पे चौथा नंबर ऑप्शन जो आ रहा है वो ऐड मनी का आ रहा है। पहला ऑप्शन है पे का, सेकंड मनी ट्रांसफ़र, थर्ड पासबुक और फोर्थ है ऐड मनी। तो फ्रेंड्स, आपको पहले अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो आपको पैसा डालना पड़ेगा पेटीएम में। सपोज़ एक इमेजिन कर लेते हैं कि मैं इसमें एक 100 रुपये अभी अगर आपको डालना है दोस्तों, तो भी आप इसमें डाल सकते हैं दोस्तों। और इसका एक मेन बेनिफिट है, यहाँ पे नीचे दिया है लॉन्चिंग पेटीएम ऑटोमेटिक, नाउ ऐड मनी टू योर पेटीएम वॉलेट ऑटोमेटिकली। अगर फ्रेंड्स आपको जैसे क्या कहा जाता है कि दुकान का जो गल्ला है हमें खाली नहीं रखना चाहिए, वैसे पेटीएम का भी जो बैलेंस है खाली नहीं रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये रेगुलर आप अगर यूज़ करेंगे तो आपको आगे इसमें पैसा डालने का आपको फ्रीक्वेंटली ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। उसमें अगर आप अंदर जाएंगे दोस्तों तो मिनिमम आपको 1000 रुपया रखना है। आप इसमें लिमिट भी इसका सेट कर सकते हैं, मिनिमम अमाउंट यू वॉन्ट टू कीप इन योर वैलेट 1000, अमाउंट टू बी एडेड इन योर वैलेट वेन बैलेंस कम्स बिलो टू 1000। तो कम से कम अगर आपको 1000 रुपये रखना है तो इसको आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको अकाउंट नंबर वहाँ पे डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे 100 रुपये का एग्जांपल यहाँ पे करके बता देता हूँ। इसमें दोस्तों हैव अ प्रोमो कोड भी आता है, अगर कोई प्रोमो कोड आपको स्पेशली दिया गया है तो आप इसमें वो भी डाल सकते हैं। मैं इसमें 100 रुपये करके ऐड मनी में जाता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे पहली बार डाल रहे हैं तो आपको यहाँ पे कार्ड का नंबर वगैरह आपको डालना पड़ेगा दोस्तों। तो जो भी आपका कार्ड का नंबर है वो आपको यहाँ पे पूरा डाल लेना पड़ेगा, डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का। उसके बाद जो भी आपका मंथ है, ईयर है, वो आप डाल दीजिए। CVC कोड आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद पे नाउ करना पड़ेगा आपको दोस्तों। ये एक बार अगर आप इसमें पे कर रहे थे दोस्तों तो ये नीचे देखिए यहाँ पे अदर पेमेंट मोड्स का ऑप्शन है। इसमें जो आपने पहली बार पे किया है वो सेव डिटेल का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल आपका सेव हो जाएगा। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम आपको रिफिल करना है आपको अकाउंट में, तो बाय डिफॉल्ट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, खाली CVC नंबर आपको बार बार इसमें डालना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ईजी है। अगर आप टोटली नए हैं पेटीएम पे तो आप इसको ज़रूर इसमें आप इसमें चालू करके डाउनलोड करके यूज़ कीजिए। और मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं पेटीएम के, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं, वो भी आप इसमें देख सकते हैं मेरे चैनल पे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जो भी मैं आप तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं वो आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।